हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश चैनल द इंग्लिश वे, जहां पर हिंदी और इंग्लिश के मिक्स्ड वर्जन में हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। जनरली मैं आपसे नहीं कहती कि आप इसे सब्सक्राइब करें या लाइक करें, बट ये मैंने एक क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पर डिस्कस करने की सोची है। तो हर एक वीडियो में हम उसका फर्दर पार्ट या पीछे का पार्ट होता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बाद का जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जब हम करते हैं, हमारी नॉलेज शेयरिंग होती है, तो वो स्ट्रांग होती है। ये हमारा वीडियो TGT 2016 का, जो इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट पेपर में हमने डिस्कस किए थे 40 क्वेश्चंस और अगले 40 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सो लेट्स डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 41 इज द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मिडीवियल पोएट्स। एक तो यहाँ पर टर्म है 7 लाइन स्टैंजा, दूसरा टर्म है मिडीवियल पोएट्स। ये दोनों ही आपको देखने हैं। 7 लाइन स्टैंजा को हम इन ऑप्शंस में फाइंड आउट करेंगे। मिडीवियल पोएट्स कौन से, मिडीवियल पीरियड किसको कहते हैं, तो 13, 14, 15, 16th एंड सम पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड के जो पोएट्स हैं उनका यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस टर्म। यहाँ पर ऑप्शन है 7 लाइन स्टैंजा हमें फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है टर्जा रीमा। टर्जा रीमा आप लोग जानते हैं कि 3 लाइन स्टैंजा फॉर्म होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम होती है, ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी। और आपको ये जानना चाहिए कि पी बी शैले ने अपनी पोयम ओ टू द वेस्ट विंड में टर्जा रीमा का यूज़ किया है। दूसरा ऑप्शन है राइम रॉयल। राइम रॉयल आपको पता है ये चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड उनकी जो पोयम थी उसमें। राइम रॉयल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किम जेम्स फर्स्ट जो स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने अपनी किंग स्क्वायर में इसका यूज़ किया था। और ये 7 लाइन स्टैंजा पैटर्न होता है, 7 लाइनों का स्टैंजा इसमें होता है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेट्रा मीटर। टेट्रा वर्ड यूज़ किया जाता है 4 के लिए, तो टेट्रा मीटर का मतलब ये है कि जहाँ पर 8 सिलेबल्स होंगे, वो 8 सिलेबल्स टेट्रा मीटर बनाएंगे। डिपेंड करता है कि वो आयम्बिक मीटर है, ट्रोकेइक मीटर है या फिर क्या है। और अगला ऑप्शन है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम क्या होती है, इंटरनल राइम किसी एक लाइन में ही जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, एक ही तरह की ध्वनि देने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम उसे इंटरनल राइम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सिस्टर, माय सिस्टर, ओ फ्लीट स्वीट सैलो, तो ये एक लाइन है जिसमें फ्लीट एंड स्वीट ये दोनों सेम साउंडिंग वर्ड है, इसको हम इंटरनल राइम कहेंगे। इसके अलावा इस वर्ड को परफेक्ट राइम भी कहा जाता है, फुल राइम भी कहा जाता है, ट्रू राइम भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ। एसेज जो है ये जनरली प्रोज में कंसीडर किए जाते हैं, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। फिक्शन कम्प्लीटली इमेजिनरी होते हैं, फिक्शन इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये भी फिलहाल मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें भी प्रोज में कंसीडर किया जाता है। बायोग्राफीज जो है ये लाइफ हिस्ट्री होती है, रिटन बाय समवन एल्स, जिसकी लाइफ के बारे में इलेबोरेशन होता है वो कोई और लिखता है। और ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं वो लाइफ जो कैरेक्टर है वो खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। एंड नेक्स्ट है पोएम्स। तो एलिजीज एंड सोनेट्स आर द फॉर्म्स ऑफ पोएम्स। एलिजीज जो है ये मॉर्न सॉन्ग या लेमेंटिंग सॉन्ग्स होते हैं, सोनेट्स 14 लाइन पोएम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चीज यहाँ पर और आपको समझने की जरूरत है कि ये जो सोनेट है, सोनेट
कई टाइप के हैं, जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट है, एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन सोनेट है। तो आपको इन्हें भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। हम किसी और वीडियो में इन्हें ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू। पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, उसमें ही, शी, इट, दे, ये सब कुछ आता है। यहाँ पर मैंने इसलिए ये बात की क्योंकि हमारे जो लिटरेचर का जो भी पार्ट होता है, वो पोएम है, एसे है, या फिर बायोग्राफीज हैं, या जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी जार्स हैं, वो सब कैसे लिखे होते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में होते हैं, या तो थर्ड पर्सन में होते हैं, या कभी कभी सेकेंड पर्सन में भी हो सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो कौन सा पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा है, सेकेंड पर्सन में लिखा गया है, या फिर थर्ड पर्सन कोई ही, शी, इट किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है, हु इज टेलिंग द स्टोरी, स्टोरी कहने वाला कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द ओवरऑल मेन आइडिया। ओवरऑल मेन आइडिया की जब भी कभी बात करते हैं, तो हमारे ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज थीम। प्लॉट जो है, प्लॉट, अगर अरिस्टोटल के पोएटिक्स की बात करें, तो वहां पर इन्होंने प्लॉट की बात की है। एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर वही कुछ करता है जो कि प्लॉट में निटेड होता है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लॉट, कैरेक्टर परफॉर्म्स। कॉन्फ्लिक्ट शो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं, कंट्रास्ट कह सकते हैं, या फिर जिन पर कोई स्टोरी बढ़ती है, स्पेशली ट्रेजिडीज वगैरह। सेटिंग, जो ओवरऑल सेटिंग होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, जो सेटिंग होती है, जो कॉस्ट्यूमिंग होती है, वो सब सेटिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर वॉवेल्स, सिमिलर वॉवेल्स। वॉवेल्स की रिपीटिशन जो होती है, वो एजोनेंस होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सोनेंट की, तो इसका मतलब एजोनेंस इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन जो होता है, ये स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, जो बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स है उसमें जो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। तो एलिटरेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि कहें, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सन, ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। कॉन्सोनेंट लेटर्स रिपीट होते हैं बार बार, अगर वॉवेल्स रिपीट होते हैं या वॉवेल साउंड रिपीट होता है, तो वो एजोनेंस होता है। जनरली हम एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या देखते हैं, कि कोई भी लेटर जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उसे हम उस फिगर को हम एलिट्रेशन नाम देते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स का डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एजोनेंस वॉवेल्स का रिपीटिशन होता है, एंड एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी आप जानते हैं, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट से बात की जाती है और कंसीडर किया जाता है, दिस इज फेस टू फेस। डेड या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन ह्यूमन है, जैसे कि ओ रेन हाउ स्वीट यू आर सिंगिंग, ओ विंड हाउ स्वीट यू आर सिंगिंग। तो ओ ये इस तरह के जो एड्रेस होते हैं, उनको हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। एंड सिमिली, यू ऑल नो, जहाँ पर हम दो नॉन सिमिलर, डिससिमिलर, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, उसे हम सिमिली कहते हैं। यहाँ पर सो, लाइक, एज का यूज किया जाता है फॉर शोइंग द कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट दैट अपियर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ।
यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, मतलब वो सेंटेंस का रियलिटी से शायद कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ, बट थॉट या आइडियाज में वो ट्रुथ मालूम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरनी। आयरनी क्या होती है? अ वे ऑफ स्पीकिंग टू मीन द अपोजिट, ये किसी का मजाक उड़ाना आप कह सकते हैं। जैसे आप किसी को कहें कि पता है तुम कितना बुद्धिमान हो, बट एक्चुअली वो बुद्धिमान नहीं है, वो बेवकूफ़ है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयरनी। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विलियम वर्ड्सवर्थ का, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब चाइल्ड कैसे फादर हो सकता है, क्योंकि वो तो चाइल्ड है। बट यहाँ पर जब आप इसको ज़्यादा एनालिसिस करेंगे इस सेंटेंस का, तो यू विल फाइंड आउट कि सीखने के लिए कोई किसी से भी सीख सकता है, और कई बार बच्चे ज़्यादा क्यूरियोसिटिक होते हैं सीखने के लिए। तो अगर बच्चों से भी सीखा जा सकता है, सो इस सेंटेंस में हमें रियलिटी दिखाई देती है। तो स्टेटमेंट दैट अपियर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ, उसमें क्या आंसर होगा? दैट इज पैराडॉक्स। ओनोमेटोपोइया, ये साउंड रिवीलिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे टिप 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 टो टिप टो, इस तरह के जो भी जो जो साउंड हमें दिखाते हैं उन्हें हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं, और सिमिली की बात हम पहले कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन, विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। ट्रेजिडी और कॉमेडी में यही डिफरेंस होता है कि ट्रेजिडी भी ट्रेजिडी जो है वो बहुत सैड या फिर कॉन्फ्लिक्टरी एक्शन से होते हुए लास्ट तक जाती है। कॉमेडी में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन व्हेन ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल, तो अगर एंड अच्छा है और हैप्पी एंडिंग है तो वो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कॉमेडी कहा जाएगा, भले ही उसके सारे एक्शंस ट्रेजेडी जैसे बाकी रहे हों। और ट्रेजेडी हम उसे कहेंगे जिसमें एंडिंग अच्छी नहीं हो। तो इन दोनों में बस बेसिक इतना ही डिफरेंस है। फार्स हम उसे कहते हैं जो जैसे किसी फिल्म के बीच में आप देखते हैं कि कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स को सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि वो पूरे जो माहौल है, जो दिमाग में एक सेट पैटर्न सेट हो गया है, उससे थोड़ी देर के लिए हमें बाहर निकाले और रिलैक्स फील कराए। तो फार्स जो होते हैं ये कॉमेडी ही होती है, बट डिजाइन टू प्रवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। ये बहुत हाईली एग्जैगरेटेड होते हैं, अतिशयोक्ति बहुत होती है, इसीलिए हंसी आती है शायद। और अगला है ये, जैसे हम टेमिंग ऑफ द श्रू की बात करें, जो वर्क है इसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो केवल कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, लाफ्टर क्रिएट करने के लिए उसमें बुने गए हैं। नेक्स्ट है सटायर। सटायर क्या होता है? सटायर डेरोगेटरी पार्ट होता है, डेरोगेटिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। ये यहाँ पर जो हंसी होती है वो किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए होती है। तो सटायर ह्यूमिलिएटिंग होते हैं, डेरोगेटरी होते हैं, और किसी को नीचा दिखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि ड्राइडन का मैक फ्लैकनो, ये सटायर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, ट्रेजेडी और कॉमेडी, जैसे आप कभी खुशी कभी गम देखते हैं मूवी में, बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर आपको रोना भी आता है, बट लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड अ कॉमेडी। हाँ, यहाँ पर अगर ट्रेजी कॉमेडी वर्ड यूज होता तो शायद ये ज़्यादा सुटेबल होता, बट दिस इज ओके। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये वही बात हो गई कि एक बार कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है। तो यहाँ पर सारे आप देख रहे हैं अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबोल, टोन और सटायर। आपको इससे क्या लगता है? जैसे वो कहते हैं ना, वो इतना रोया कि पूरे नदियां बह गई, तो ये सब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। आई हैव टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, दिस इज हाइपरबोल। अंडरस्टेटमेंट क्या होते हैं? अंडरस्टेटमेंट होते हैं, ये एग्जैगरेशन का अपोजिट होता है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत कम करके दिखाया जाता है। जैसे ये कहें कि ही इज नॉट द ब्रिलियंट मैन, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम
मतलब किसी की एक्चुअल जो चीज है उसको उससे कम दिखाया जाए, उसे हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट, अपोजिट ऑफ एग्जैगरेशन। नेक्स्ट है टोन। टोन क्या होती है, व्हाट इज टोन? टोन जो है ये जैसे किसी की स्पीच होती है, तो स्पीच जो है उस जो स्टेटमेंट है उससे जो फीलिंग कन्वे हो रही है, अच्छा पता है, अच्छा जानता हूँ, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आप देते हैं, हाँ पता है वो कितना खुश है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि उसका मूड कैसा है, उससे हम कहते हैं टोन। और फिर से एक बार सटायर आया, हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट्स प्रोसीड। अगला क्वेश्चन है, अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइंस, और फोर लाइंस ऑफ अ पोयम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। एक पोयम जो चार लाइंस की हो, या फिर किसी पोयम का कोई एक यूनिट, यूनिट का मतलब हम यहाँ पर स्टैंजा कह सकते हैं, तो वो स्टैंजा अगर चार लाइन का है तो उसे क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है कपलेट। कपलेट हमेशा दो लाइन का स्टैंजा होता है। हाइको जो है ये तीन लाइन का स्टैंजा होता है, जैपनीज वर्ड है। हाइको जो है ये जैपनीज वर्ड है, और इसका इसको कभी कभी होको भी प्रोनाउंस करते हैं, HOKKU, और ये पोएटिक फॉर्म है। तीन लाइन के स्टैंजा में 17 सिलेबल्स होते हैं, 5, 7 और 5 के उसमें ये डिवाइड होते हैं, मतलब पहली लाइन में 5 सिलेबल्स, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल और तीसरी लाइन में फिर से 5 सिलेबल। इसका मतलब ये है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड फॉर्म होता है ये पोएट्री का, और ये जापानीज टर्म है। एज्रा पाउंड की एक पोयम आपने सुनी होगी, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, वहां पर उन्होंने हाइकू का यूज किया है, लेकिन ये उतना डिसिप्लिन्ड फॉर्म में नहीं है जितना इसे होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन जो है ये चार लाइन का स्टैंजा होता है, कपलेट दो का, टर्सेट तीन का, क्वार्ट्रेन चार लाइन का स्टैंजा होता है, या फिर एक पोयम जो चार लाइन की ही है उसे हम क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेन कहेंगे। एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है लिरिक। लिरिक क्या होते हैं? ये पर्सनल इमोशंस या फीलिंग्स को प्रेजेंट करती हुई शॉर्ट पोयम्स होती हैं, लिरिकल होती हैं, मतलब म्यूजिकल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं लिरिक। म्यूजिकल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उसमें हम वायलिन या गिटार या तबला बजाते हैं, म्यूजिकल का मतलब उनमें एक अच्छी राइमिंग होती है, सेट पैटर्न होता है, और छोटी होती हैं और पर्सनल होती हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऐसे जब हम किसी के लिए टाइटल यूज करते हैं, ही इज द लॉयन, ग्रेट इमेंसिपेटर, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो इस तरह के टाइटल जब किसी के लिए यूज किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एपिथेट। एपिथेट एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी के लिए यूज किए जाते हैं, या एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी की पर्सनालिटी या किसी भी जगह, प्लेस को, थिंग को, पर्सन को डिफाइन करने के लिए इन अ फ्यू वर्ड्स। और पहला ऑप्शन यहाँ पर है एनालॉजी। एनालॉजी होती है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इन विच दे आर सिमिलर, दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो जगहों के बीच का ऐसा कंपैरिजन जिसमें उनमें किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी हो। अभी सिमिली की बात कर रहे थे, सिमिली दो नॉन सिमिलर थिंग्स के बीच का कंपैरिजन होता है, एनालॉजी दो सिमिलर चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी होती है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, आपने सुना है जॉन बनियन का, इसे एलिगरी कहते हैं, रूपक कह सकते हैं आप इसे। इसमें हर कैरेक्टर जो होता है या इवेंट जो होता है वो सिम्बलाइज करता है किसी इवेंट को या किसी पर्सन को। नेक्स्ट है फॉइल, FOIL। फॉइल एक तो होते हैं, आपने सुना है सिल्वर फॉइल, उसमें भी फॉइल की यही स्पेलिंग होती है, और जो वो फॉइल होते हैं वो किसी चीज़ की रैपिंग करने के लिए, किसी चीज़ को लपेटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फॉइल जो होते हैं वो किसी मेन कैरेक्टर का अपोजिट कैरेक्टर भी होता है, जैसे कि हैमलेट अगर आपने पढ़ा है तो हैमलेट में लायटस जो है वो हैमलेट का फॉइल कहा जाएगा। अब इसे अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपने क्या समझा है और आप उस लॉयटस को कितना जानते हैं, तो
लॉयटस को अगर जानते हैं तो उसका हैमलेट के कैरेक्टर के साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो ही इज डेडिकेटेड फॉर हिज फैमिली, ही इज डेडिकेटेड फॉर हिज टाइम, ही इज डेडिकेटेड फॉर हिज एम्पायर। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में निकल करके आएंगी और तब आप समझ पाएंगे कि लॉयटस और हैमलेट का क्या डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को हम फॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार फेस्ट सिचुएशंस। अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार फेस्ट सिचुएशन। फार फेस्ट सिचुएशन का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि उनका आपकी कॉमेडी से या जो प्लॉट है उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना ना हो, दे आर जस्ट फॉर क्रिएटिंग लाफ्टर। तो हमने इस पर बात करी थी अभी ऊपर भी एक ऑप्शन में, दैट इज फार्स। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पैराबल, PARABLE। पैराबल जो होती हैं छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ जिनमें कोई मॉरल होता है, मॉरल स्टोरीज। कहते हैं कि बाइबल में जो स्टोरीज है वो पैराबल फॉर्म में है, और जीसस क्राइस्ट की ये फेवरेट फॉर्म थी जिसमें वो लोगों के बीच में जाकर के कहानियाँ सुनते थे, सुनाते थे। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं विद अ मॉरल लेसन। नेक्स्ट है फेबल, FABLE। फेबल जो है ये वो कहानियाँ होती हैं जिनमें एनिमल कैरेक्टर्स को एनिमेट किया जाता है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप नंदन और चंपक की कहानियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर शेर सिंह राजा है, हाथी उसका गजराज नाम रख दिया गया और वो गजराज जो है वो मंत्री है। तो ये एक पूरा सिस्टम जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, ऐसी कहानियों को हम फेबल कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटीमेंटल कॉमेडी। सेंटीमेंटल कॉमेडीज वो होती हैं जो 17th-18th century की सोसाइटी में लिखी जा रही थी, और ये मिडिल क्लास जो पर्सन है, मिडिल क्लास मैन मैन वुमेन सोसाइटी आप कह सकते हैं, तो उस मिडिल क्लास सोसाइटी के इमोशंस को जो एलिग्राइज करें उसे हम कहते हैं सेंटीमेंटल कॉमेडी। आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैंने ये कहा है कि 17th-18th century के जो कॉमेडीज़ थी वो इस फॉर्म में लिखी जा रही थी, तो क्या आप मुझे कोई एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं जो सेंटीमेंटल कॉमेडी का हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। टू इवोक, इवोक मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक पिक्चर या कॉन्क्रीट सेंसेशन को इवोक करे उसे हम यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल जो होते हैं जैसे कि लाल कपड़ा और रोटी, आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, तो उस समय लोगों में एक एक से दूसरे तक मैसेज कन्वे करने के लिए इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। जैसे कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, तो सिंबल वो प्रतीक चिन्ह होते हैं जिससे कोई चीज़ की डेफिनीशन बनाई जा सकती है, जिसका ग्राउंड तय होता है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी जो होती है जैसे कोई कहानी सुना रहा है और उस कहानी को सुनने के साथ साथ आपके दिमाग में पूरा पोर्ट्रे क्रिएट हो जाए, पूरा ग्राउंड क्रिएट हो जाए, एक पूरी पिक्चर चलने लगे, उसे हम कहते हैं इमेजरी। तो ये लैंग्वेज टू इवोक मतलब बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक पिक्चर, या फिर कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, ये इमेजरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एफोरिज्म। एफोरिज्म जो होता है ये एक स्टाइल होती है जिसमें गागर में सागर भरना इसे कहते हैं, और गागर में सागर भरने की स्टाइल किसकी थी? हु इज नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल? फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ प्रोज जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो वो जो पर्सन है वो एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जा जाता है, गागर में सागर भरने के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, रिवेंज इज अ वाइल्ड काइंड जस्टिस, तो बदला लेना जंगली वो है। तो उसको जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा आइडिया जो है वो यहाँ पर है। फिर उन्होंने कहा, सम बुक्स आर चीव्ड, सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके वो ये
प्रेजेंट करते हैं। अगला है सिमिली, इसको आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसे आपको जानने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस दैन वॉट इज मेंट, लेस दैन वॉट इज मेंट, दिस इज कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट। मीडियम या एग्जैक्टली जो कुछ है उससे कम में बना करके किसी चीज़ को कहना, दैट इज अंडर स्टेटमेंट। दैट इज जैसे कि हाँ ठीक ठाक है, हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। जैसे बहुत अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी हो आपकी और आपसे कोई पूछता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, तो आप कहते हैं ओके ठीक, ये अंडरस्टेटमेंट है। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है किसी चीज़ के डबल मीनिंग्स निकलना। जैसे आजकल बहुत सारी मूवीज़ हैं जो डबल मीनिंग में आती हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से कोई बात कहते हैं, उसके डबल मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है जहाँ पर टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस, जैसे लव इज बिटर स्वीट, तो ये जो है ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है लिटोट। लिटोट जो है ये अंडरस्टेटमेंट का ही एक टाइप है, बट यहाँ पर जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव फॉर्मेट में रखे जाते हैं और आप उनका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कहा जाए ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन, तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसका रेफरेंशियल मीनिंग आप निकालेंगे तो वो होगा कि वो बेवकूफ़ है शायद, या मैं उसे बुद्धिमान नहीं मानता। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो अंडरस्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं उन्हें कहा जाता है लिटोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ये आपकी एक्चुअली की वर्ड्स हैं जो हमेशा ही इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है एनेक्डोट, जो दंत कथाएं होती हैं, जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और वो उसके रेफरेंस में या उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए कोई चीज़ वहाँ पर किसी की कहानी, किसी का किस्सा कुछ सुनाता है जो शायद रियल भी हो सकता है और रियल नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण, और मानवीयकरण उन चीज़ों का किया जाएगा जो मानव नहीं है, जो ह्यूमन नहीं है, उनको ह्यूमनाइज करना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, ऐसी डेड चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आइडियाज़ हो सकते हैं, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं। जैसे कहा जाए द रेन इज सिंगिंग, बारिश गा रही है। बारिश कैसे गाएगी, लेकिन उसका जो साउंड है वो अच्छा लग रहा है, तो हम उसे सिंगर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज असाइड। असाइड जो है ये जैसे आपको घर में डांट पड़ी या आपको कुछ कहा जा रहा है और आप धीरे से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चुपके से कह जाते हैं जो बाकी लोग तो नहीं समझ पाते या सुन पाते, या फिर जैसे आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन और उसकी तारीफ हो रही हो और आपको डांटा जा रहा हो, और आप अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई के बारे में कुछ जानते तो आप चुपके से अपने मन में कहते हैं, धीरे से बोलते हैं, अरे मुझे पता है वो कितना अच्छा है, लेकिन आप किसी और को सुनाने के लिए वो चीज़ नहीं कह रहे, वो आप खुद के लिए कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे कमेंट्स को हम कहते हैं असाइड कमेंट्स, छोटे छोटे ये कमेंट्स होते हैं, और अगर ये लंबी स्पीच हो जाती है तो उसे हम सोलिलोक्वी कहते हैं। प्लीज़ मेक दिस क्लियर कि असाइड और सोलिलोक्वी में ये डिफरेंस है कि असाइड कमेंट्स होते हैं छोटे, और सोलिलोक्वी एक स्पीच होती है बड़ी। दोनों ही स्टेज पर होते हैं और दोनों में ही कैरेक्टर खुद से ही कहता है। नेक्स्ट है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग जो है ये किसी कैरेक्टर का थॉट होता है, जब कैरेक्टर कुछ कहते कहते अपने थॉट्स में चला जाए उसे हम कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग हमेशा होता है सिंगल कैरेक्टर स्पीच होती है, मतलब खुद से ही, जैसे आप ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने पढ़ा वैसे यहाँ पर इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग आपको कहानी में पीछे की तरफ ले जाता है, अंदर की तरफ ले जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गार्ल्सवर्दीज प्लेज। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है गार्ल्सवर्दीज प्लेज। यहाँ पर ये चारों ही वर्क जॉन गार्ल्सवर्दी के हैं, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ और जस्टिस, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उनका प्ले नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर बॉक्स प्ले है, स्ट्राइफ प्ले है, जस्टिस प्ले है,
जो 10 सिल्वर स्पून है, ये आप उनकी स्टोरी या नॉवेल कह सकते हैं, सिल्वर स्पून प्ले नहीं है बट वर्क जॉन गालसवर्दी का ही है। 1907 में उन्होंने सिल्वर बॉक्स लिखा था, 1909 में उन्होंने स्ट्राइफ लिखा था, और 1910 में परफॉर्मेंस हुई थी जस्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गालसवर्दीज प्लेज। गालसवर्दी, जीबी शॉ और ये सब जो है, ये सोशल प्रॉब्लम्स पर वर्क लिखते हैं, सोशल ड्रामा कहते हैं इनके वर्क को, इनकी थीम को। तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में ये नहीं लिखते हैं, फ्रैटर्निटी भाईचारे के बारे में नहीं लिखते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इस टाइम पर लिखते हैं, रोमांस इनका फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गालसवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन जॉन गालसवर्दी के लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गालसवर्दीज थ्री ट्रायोलॉजीज। जॉन गालसवर्दी ने थ्री ट्रायोलॉजीज लिखी हैं। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन, और तीन तीन एक सीरीज ऑफ ड्रामा है जिनका, या तीन ड्रामा का कलेक्शन एक साथ उन्होंने जिनमें किया है, वो ऐसी कौन कौन सी ट्रायोलॉजीज हैं। तो इसमें फर्स्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोर साइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फिलहाल इनकी ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं है, बाकी द फोर साइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी और द एंड ऑफ द चैप्टर। इन तीनों में तीन तीन प्ले इन्होंने लिखे हैं, मतलब तीन तीन प्लेज का कलेक्शन है ये तीनों वर्क। आप मुझे ये बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जा करके, कि वो तीनों प्लेज कौन कौन से हैं। जैसे द फोर साइड सागा में कौन कौन से प्ले हैं, द एंड ऑफ द चैप्टर में कौन कौन से प्ले हैं, एंड अ मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन से प्ले हैं। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लोर करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में उसे लिखेंगे तो आप जान पाएंगे, और इस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे द फोर साइड सागा की तीनों प्लेस का उन्होंने नाम दे दिया और कोई एक चौथा प्ले डाल दिया और ये पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सा फोर साइड सागा का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा द एंड ऑफ द चैप्टर का पार्ट नहीं है। सो गो फॉर दिस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट प्लीज राइट मी इन द इन द इनबॉक्स, आई विल डू इट फॉर यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनमें से कौन है जिसने नोबेल प्राइज नहीं जीता है? तो फर्स्ट है जी बी शॉ। जी बी शॉ ने नोबेल प्राइज जीता है 1925 में। 1925 में जी बी शॉ को बेस्ट लिटरेचर का जो बेस्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज वो मिला था। जॉन गालसवर्दी ने ये प्राइज जीता था 1932 में। 1932 में इन्हें ये मिला था, और 1932 जॉन गालसवर्दी ने अवार्ड लिया था। डब्ल्यू बी ईट्स को ये अवार्ड मिला था 1923 में, 1923 में। और उसके बाद बचते हैं जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। सो दिस वन इज द राइट आंसर। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर, क्वेश्चन नंबर आपका है 60। तो जॉन गॉल्सवर्दी 1867 में पैदा हुए थे, 1860। फिर यहाँ पर एक और ईयर दिया है 1865। 1865 में आपने एक नाम सुना है रुडियार्ड किपलिंग का। रुडियार्ड किपलिंग का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि रुडियार्ड किपलिंग वॉज द यंगेस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1907। तो रुडियार्ड किपलिंग बॉम्बे में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने बाहर रह करके अपने सारे काम लिखे, और इनकी थीम्स वगैरह भी डिफरेंट थी। बट 1907 में, 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सो ही वॉज द यंगेस्ट ऑथर हु गॉट नोबेल प्राइज। इसके अलावा एक चीज़ और है, इन्हें कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो इंडिया में पैदा हुआ था, बॉम्बे में पैदा हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन एक दो बार आया है एग्जाम में। तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुन करके नहीं लगता कि वो इंडियन है, बट वो बॉम्बे में बॉर्न है, इसलिए आप उन्हें याद रखेंगे। 1865 में वो बॉम्बे में पैदा हुए थे। ठीक
ठीक है, बाकी दोनों ईयर्स भूल जाइए, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आप चाहें तो ढूंढ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का नाम जानते हैं ना, कौन नहीं जानता? 9th दिसंबर 1608 में लंदन में ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट? मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। आपको पता है जॉन मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखे थे। कितने सोनेट्स? 24। और ये कहा जाता है कि ये उनका 23rd सोनेट था, जो उन्होंने अपनी लेट वाइफ, जो उनकी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, जो एक बच्चे को पैदा करने के बाद जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ पर इन्होंने ये सोनेट लिखा था, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जॉन मिल्टन के बारे में ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने कितनी शादियाँ की, कितनी बार शादियाँ की। जॉन मिल्टन के बारे में ये भी पूछा जाता है कि उनकी कौन कौन सी वाइफ है, तो उनकी वाइफ्स के जो नेम्स है वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से आपको एक तो मिल गया कैथरीन वुडकॉक, ये इनकी सेकेंड वाइफ थी जिनको ये सबसे ज़्यादा मानते थे, और इनकी डेथ हो गई थी व्हेन शी वॉज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। और मैरी पॉवेल, जिनसे इन्होंने 1642 में शादी करी थी, फर्स्ट वाइफ थी इनकी, और इनसे बहुत अच्छा इनका रिलेशन नहीं चला, इनका डाइवोर्स हो गया था, और इसके बाद इन्होंने डाइवोर्स पे बहुत सारे पेपर्स लिखे थे, बहुत सारे ट्रैक्ट लिखे थे। थर्ड इनकी वाइफ थी एलिजाबेथ मिंशल, जिनसे इन्होंने 1662 में शादी करी थी। तो ये इनकी लाइफ है जहाँ पर इन्होंने 3 शादियाँ की, और मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, इनके जो टोटल 24 सोनेट्स थे उनमें 23rd सोनेट था ये, जिसको उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ के लिए लिखा था, कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में, 1667 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और आपको ये भी जानना चाहिए कि 1667 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और ये बुक कितनी बुक्स में थी? दिस वॉज इन 12 बुक्स, ठीक है। एंड ये पैराडाइज लॉस्ट जो है, ये मिल्टन का लिखा हुआ एक एपिक था, एपिक। और मिल्टन अपने एपिक में किसको फॉलो करते हैं? अपनी एपिक स्टाइल में मिल्टन फॉलो करते हैं होमर को। और मिल्टन की जो एपिक स्टाइल है, एपिक लिखने का जो तरीका है, या होमर का जो एपिक लिखने का तरीका है, उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रैंड स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए हम जानते हैं किसको? फ्रांसिस बेकन को। जैसे कि ग्रैंड स्टाइल के लिए वैसे ही हम जानते हैं किसको? जॉन मिल्टन को। और ग्रैंड स्टाइल होती क्या है? ग्रैंड स्टाइल वो स्टाइल है जिसमें जो एपिक हम लिखते हैं, जो लिखे जाते हैं, उनका तरीका होता है कि वो गॉड या गॉडेस के इन्वोकेशन से शुरू होते हैं, ईश्वर का आह्वान किया जाता है। किसी भी थॉट को या कोई एक बहुत बड़ा आइडिया उस पूरे वर्क में लिया जाता है, एक बड़ा कैरेक्टर, जिसे बड़ा कैरेक्टर बना करके उसे प्रेजेंट किया जाता है। और जनरली ये ब्लैंक वर्स में होता है। ब्लैंक वर्स जो है वो फिलहाल इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट वर्स फॉर्म कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है इसलिए। और जो इसमें मास्टर होता है, जो इन चीज़ों पर कमांड रखता है, ऐसे पोएट्स ये सब थे, मिल्टन थे, वर्ड्सवर्थ थे, और उसके पहले के और भी थे। तो जो एम्बिक पेंटामीटर में लिख सकते हैं वो ग्रेट ऑथर्स कंसिडर किए जाते हैं, ग्रेट राइटर्स, ग्रेट पोएट कंसिडर किए जाते हैं। तो ये फॉर्म जो है, आप कह सकते हैं कि 15th-16th century की बहुत अच्छी फॉर्म थी, और उस समय ये लिखा जाता था। तो दिस इज ग्रैंड स्टाइल, 1667 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। 44 में, 1644 में इन्होंने एक वर्क लिखा था, एरो
पेजिटिका, और ये एरोपेजिटिका जो था ये एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच पर था, अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलने में स्वतंत्रता है उस पर बेस्ड इन्होंने ये एक वर्क लिखा था। ठीक है, पैराडाइज रिगेन्ड आप जानते हैं कब लिखा था इन्होंने, कब पब्लिश कराया था, 1671 में। पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टस ये दोनों एक साथ सेम ईयर में ही पब्लिश हुए थे, सैमसन एगोनिस्टस। आइकोनोक्लास्ट ये इनका एक लेटर था, एक पेपर था जो इन्होंने पब्लिश कराया था। बहुत सारी जो सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल प्रॉब्लम्स थी, उन पर भी ये लिखते रहते थे। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस, आपको ऑप्शन पता है, दैट इज 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, अभी मैंने आपको ग्रैंड स्टाइल के बारे में बताया, तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ग्रैंड स्टाइल में इसलिए भी है क्योंकि उसका एक कैरेक्टर है कि वो ब्लैंक वर्स में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेमस लाइन, व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। हमारा राज्य चला गया तो क्या हुआ, इससे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब मैंने बताया कि आपको पैराडाइज लॉस्ट शुरू होती है इन्वोकेशन के साथ, आह्वान वो करता है अपने गॉड गॉडेस का, और फिर वो अपनी जो उसके साथ उसकी सेना होती है, आर्मी होती है, उसको इकट्ठा करता है और उसको फिर से इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, और तब वो कहता है व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो ये किसका स्पीच है, एक तो एडम है उसका हीरो, दूसरा सैटन भी उसका हीरो ही कहा जाता है, और शेक्सपियर जॉन मिल्टन में कहा जाता है कि सैटन की ही सोल थी या वो सैटन के साइड में था जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा था। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ, पैराडाइज लॉस्ट या कोई भी एपिक जो है उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो ब्लैंक वर्स में होता है, ब्लैंक वर्स। दूसरा उसका कैरेक्टर होता है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो इन्वोकेशन से शुरू होती है। इन्वोकेशन होता है आह्वान करना, और किसका आह्वान करते हैं हम, मतलब हम संबोधित करते हैं, या फिर हम कुछ किसी का ध्यान करते हैं। ठीक है, दैट इज लैमेंट होता है विलाप करना, ये एलिजीज का फॉर्म है। सोलिलॉक्वी एक सिंगल स्पीच होती है बाय सिंगल पर्सन ऑन द स्टेज, और रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई एक लाइन पूरी पोयम में बार बार रिपीट होती है। जैसे आप कोई एक गाना सुनते हैं, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग, और उस सॉन्ग में जो उसका शुरुआत की दो या तीन लाइनें होती हैं वो उस पूरे गाने में कई बार रिपीट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रेन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। ड्रामा तो उन्होंने केवल एक ही लिखा था, सैमसन एगोनिस्टस, और नैरेटिव स्टाइल एपिक का जनरली होता है, तो ये फिलहाल स्टाइल नहीं है, ये ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस है। ग्रैंड स्टाइल ब्लैंक वर्स में लिखना, एपिक लिखना, और इन्वोकेशन से शुरू करना, और किसी हीरो को बहुत ही एग्जैगरेटेड वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है एफोरिस्टिक स्टाइल, इसके लिए मैंने आपको बताया कि फ्रांसिस बेकन फेमस है गागर में सागर भरने के लिए। नेक्स्ट है द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन, बेटर टू रेन इन हेल, नर्क में शासन करना बेहतर है देन सर्व इन हेवन। ये लाइन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ये पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइन है, और नहीं पढ़ी है तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज। एलिजाबेथन एज जो है उसे एज ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है, बेस्ट फेज कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है, ना केवल इंग्लिश लिटरेचर का बल्कि पूरे इंग्लिश शासन काल का। और ये एलिजाबेथन एज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये एलिजाबेथन एज शुरू होती है 1558 से, 1558 से, जब क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी थी, और उनकी डेथ तक इसे कंसीडर किया जाता है, और डेथ उनकी हुई थी 1603 में, और 1603 में जब जेम्स फर्स्ट राजा बना तो वो राजा रहा कब तक, 1625 तक। तो उस पूरे टाइम में उसने कुछ नया नहीं किया, उसने पूरा इन्फ्लुएंस यूज किया क्वीन एलिजाबेथ का, इसलिए कभी कभी इसे 1558 से 1625 तक एलिजाबेथन एज को माना जाता है।
ठीक है, मैं बहुत अच्छा शायद लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप उससे उससे क्लियर हो रहा होगा। रेस्टोरेशन एज जो है, रेस्टोरेशन जब रीस्टोर हुआ था इंग्लिश मोनार्क का, और रेस्टोरेशन एज कंसीडर किया जाता है कब से, 1660 से 1700 तक, 1660 से 1700 तक। और इस एज को, इस एज का जो ग्रेट फिगर था वो था कौन, जॉन ड्राइडन, इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। एलिजाबेथन एज का डोमिनेटिंग फिगर था विलियम शेक्सपियर, इसीलिए इसे शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। विक्टोरियन एरा जो था वो 1837 से शुरू हुआ था, सॉरी 1837 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी, लेकिन 1832 में वाल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी, और वहीं से माना जाता है कि विक्टोरियन एज शुरू हो गया था। तो 1832 से, और कभी कभी 18, वैसे 1837 इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया थ्रोन्ड हुई थी, और 1832 इसलिए क्योंकि रोमांटिक जो कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो ये जो है 1832 से या 1937 से कंसीडर किया जाता है, और कब तक, 1901 तक, 1901 तक, ठीक है। और जो रोमांटिक एज है वो कब से कब तक, रोमांटिक एज मानी जाती है 1798, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का एक वर्क पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड्स। तो 1798 से, और खत्म कब होती है, 1832 से, ठीक है। तो इन एजेस का एक चार्ट जरूर बनाइएगा, और इसमें जो एजेस नहीं आई हैं उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द मेलैंकली मैन इन एज यू लाइक इट। तो मेलैंकली मैन के नाम से एज यू लाइक इट में जाना जाता है जैक्स। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। रोजालिंड है, सीलिया है, और लैंडो है। अगर पोर्शिया को आप जानते हैं तो आप इसे जानते हैं कि ये मेन लीड कैरेक्टर है किसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्टीन ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शेक्सपियर के किस उसमें है, हैमलेट का। ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, आपको याद आया होगा, प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो अटैक करने जाता है, ये वो कैरेक्टर है, और ये हैमलेट का कैरेक्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या है, ऑब्वियसली लव है, हेट्रेड, इंट्रीग या एनवी कुछ भी नहीं है। वैसे शेक्सपियर के सोनेट की बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, 154। और शेक्सपियर के जो सोनेट हैं इनको आप डिवाइड कर सकते हैं कि 126 में, प्लस 26 में, प्लस 2 में, और आप इन्हें जब टोटल करेंगे तो आएगा 154। 126 सोनेट डेडिकेटेड है मिस्टर डब्ल्यू एच को। मिस्टर डब्ल्यू एच, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि डब्ल्यू एच का पूरा नाम क्या कंसीडर किया जाता है। अगले जो 26 सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं, और बाकी के जो 2 सोनेट हैं वो क्यूपिड को, गॉडेस क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं। तो इस तरह से 154 सोनेट, जिसमें 126, 26 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 126 मिस्टर डब्ल्यू एच को, 26 डार्क लेडी को, और 2 क्यूपिड को। दूसरा ये है कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स 3 क्वाट्रेन्स एंड कपलेट्स में लिखे हुए हैं। सेस्टेट और ऑक्टेव में इनके सोनेट नहीं है, इनके सोनेट से क्वाट्रेन एंड कपलेट में 14 लाइनें होती हैं, तो 3 क्वाट्रेन्स का मतलब है कि 12 लाइनें क्वाट्रेन्स में है और 1 कपलेट है। फिर अगला है, अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद आ। अभी मैंने कहा कि इनके सोनेट्स डिवाइडेड हैं क्वाट्रेन और कपलेट में, तो एंडिंग होती है कपलेट के साथ। ऑक्टेव जो है ये 8 लाइनों का एक स्टेंजा होता है जो स्पेंसेरियन सोनेट में आपको मिलेगा। क्वार्टेट 4 लाइन का स्टेंजा है, और ट्रिपलेट 3 लाइन का। अ टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज 154। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। ये लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ में, जब वो अपने पागलपन की स्टेज से गुजर रही होती है। नेक्स्ट है, इन गार्ल्स वर्दीज जस्टिस द लॉ इज जस्ट इज वॉट, इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस
ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज बीन सेट बाय, ये उसका जज कमेंट करता है। आप इसकी समरी जरूर पढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल डिस्कस किए हैं रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस, 41 से 80 तक, जो टीजीटी 2016 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस किया है। अगर इस बारे में आपको यहाँ पर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे मुझे लिख सकते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आगे के इसके जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो आप तुरंत ही देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रतिमा चतुर्वेदी। थैंक यू।